हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का नाश्ता। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक कप पानी में एक कप सूजी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। फिर उसके बाद एक टीस्पून घी ऐड करेंगे और फिर से स्टेयर करने के बाद इसमें एक टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। एक बार जब इसे मिला लेंगे तो इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें एक कप दही ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। एक बार जब इसका डो तैयार हो जाए तब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना देंगे। फिर हम लोई में से एक एक लोई लेंगे और उसको लंबा सा रोल करेंगे और बीच में अंगूठे से डिजाइन कर देंगे। इसी प्रकार हमें सारे लोइयों को तैयार करना है। फिर हमें छन्नी वाले प्लेट को इस तरह से तेल से ग्रीस कर देना है। उसके बाद हमें सूजी वाला नाश्ता इसमें ऐड करना है और फिर उसके बाद इसे हमें स्टीम करना है लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हमें दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करना है। फिर 1/2 टीस्पून हींग, मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड 1 टीस्पून ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हमें चॉप किए हुए ओनियन, टमाटर ऐड करने हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने हैं जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। फिर सूजी वाले नाश्ते को इसमें ऐड कर देंगे और इसे तब तक मिलाएंगे जब तक कि यह अच्छी तरीके से ना पक जाए। फिर उसके बाद हमें इसमें कड़ी पत्ता डालना है और साथ ही साथ नारियल का बुरादा इसमें डाल के इसे अच्छी तरीके से हमें मिला देना है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लीजिए, बन के तैयार है गर्मा गर्म सूजी का नाश्ता।